सलमान की नेक्स्ट मूवी भारत में कटरीना कैफ को मिल रहा था एक इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन सलमान ही वो रीजन बने जिनकी वजह से कटरीना अब हो चुकी हैं आउट। लेट्स फाइंड आउट व्हाई। सलमान खान के कहने पर कटरीना कैफ ने छोड़ी फिल्म भारत। अकॉर्डिंग टू आर एक्सक्लूसिव सोर्सेज, भारत फिल्म में सेकंड लीड के लिए डायरेक्टर अली अब्बास जफर कटरीना कैफ का नाम कंसिडर कर रहे थे, लेकिन सलमान खान ने अली के इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें लगा ये स्मॉल रोल कटरीना के लायक नहीं है। कहा जा रहा है इसी के बाद दिशा पटनी को इस रोल के लिए फाइनल किया गया क्योंकि दिशा और कटरीना की फिजीक एक दूसरे से मिलती जुलती है। यही नहीं, सोर्सेज का कहना है कि अब अली जफर अपनी लकी चार्म कटरीना को इस फिल्म में एज अ गेस्ट सेलिब्रिटी लाना चाहते हैं और वो फिल्म के स्क्रिप्ट में इसके लिए कुछ बदलाव कर सकते हैं। You know, I feel भाईजान ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है या फिर सजेशन दिया है कटरीना को टू नॉट वर्क इन भारत, बिकॉज देखिए एक तो उसमें सलमान खान है, उसके बाद प्रियंका चोपड़ा भी हैं जो कि एनी डे कटरीना कैफ से बड़ी स्टार हैं, मेन लीड में हैं। सो कटरीना का एक थोड़ा सा रोल है, अब शायद वो ओवर शैडो ना हो जाए, उन्हें उतनी लाइमलाइट ना मिले। बट इट्स काइंड डिसअपॉइंटिंग है ना कि जहाँ पर ड्यूरेशन अगर रोल का काम है उस बेसिस पर एक्टर्स आज भी डिसीजंस ले रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लाइक कि भाई रोल में दम है कि नहीं। बट ये पहली बार नहीं हुआ है, यू नो, सो देयर मेनी बिग स्टार्स जो सिर्फ पिक्चर में इसलिए काम नहीं करते, नहीं यार मेरा ड्यूरेशन बहुत कम है यार, बहुत कम दिखूंगा मैं मेन लीड में नहीं हूं इसमें। सो देयर मेनी स्टार्स। सो बाय द वे नाउ दिशा पटनी विल बी डूइंग द सेम रोल एंड आई वुड स्टिल वांट टू गिव अ थम्स अप टू द दोस्ती दैट हैज मेंटेन्ड फॉर सो मेनी इयर्स एंड ही इज स्टिल लुकिंग आउट फॉर हर एंड बॉलीवुड में वो देखने के लिए मिल रहा है। आई थिंक वी कुड जस्ट सेलिब्रेट दैट।